राम 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 भाई, राम राम, जय श्री राम। और आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह की, जिसको लेकर सरयू नदी के तट पर 22 जनवरी को दीपोत्सव होगा और आतिशबाजी होगी। और होने वाले इस उद्घाटन को लेकर यूपी ही नहीं, हरियाणा समेत पूरे देश में उत्साह का माहौल है और पूरा राममय माहौल के साथ साथ श्री राम के नारे भी पूरे गूंज रहे हैं। बात तो तू जमा सही कह रहे हैं यार। आजकल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ही चीज चल रही है, जय श्री राम, जय श्री राम। हैं? अरे भाई, हरियाणा में तो मेरा है भाई, हरियाणा में तो नमस्ते के नाम पर भी मारे मुंह तो एक ही चीज लिख रहा है, राम राम भाई, राम राम। हैं? वहीं जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह हो रहा है, उससे जुड़ी हरियाणा की एक जानकारी और है। दरअसल 22 जनवरी को होने वाले समारोह के चलते हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया है। ड्राई डे की डिमांड करने वाले 2-3 लोग मेरे पास ऐसे आए जो सेवन करते हैं मद्य का। वो कहते हैं जी उस दिन तो बेशक बंद कर दो, हम भी राम जी के नाम से शायद हमारे जीवन में कोई अच्छाई आ जाए। ड्राई डे भाई, वो तो ठीक कराया है। क्यों? जो अपने डेली पीने वाले थे अपने मगड़, उनने भी एक दिन कम से कम राम नाम का लेने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। वहीं जहां 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग भी राम नाम की जो नदी है उसमें गोते लगा रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुछ दिन पहले सरयू नदी में पहुंचे और वहां पर उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ स्नान किया। भाई आधा का मानना तो नु कह रहा है कि भाई प्रोग्राम तो हमने कन्नी काट ली है, अब भाई आरएसएस का बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम से है। पर जो नेता है भाई, उनने तो अपने देखना है, अगर भाई आगे जो इलेक्शन आने लग रहे हैं हैं, उसमें कदे कन्नी ना कट जाए। वहीं बीजेपी के मंत्री कौरपाल गुर्जर ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ की है कि उन्होंने सरयू नदी में जाकर स्नान किया है। तारीफ करता हूँ दीपेंद्र की, इसके लिए उसने अच्छा निर्णय लिया। तारीफ करता हूँ दीपेंद्र की, इसके लिए उसने अच्छा निर्णय लिया। कांग्रेस वाले जो इसी डुबकी मारेंगे तो भाई उनके मुरीद सत्ता पक्ष वाले भी हो जाएंगे, अरखन लाग रहे तारीफ पे तारीफ। वही हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राम नाम जो भी राजनीति कर रहा है उसको जनता सबक सिखाएगी। प्रभु श्री राम हम सबके, प्रभु श्री राम हम सबके, हमारा कल्चर है, सुबह उठते हैं तो भी बड़ों को राम राम करते हैं, रात को सोते हैं तो भी राम राम करते हैं। धर्म मुझे लगता है राजनीति से बहुत ऊपर है। देखिये वो MBI बात करने लग रहे हैं, अब भाई भगवान राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है और वो ये देख रहे हैं कि उनके वोट बढ़ेंगे या घटेंगे। दोनों गए ना माया मिली ना राम, रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, धार्मिक भावना से जा रहे हैं, हमारा इच्छा इसलिए जा रहे हैं। वो वोटें गिन रहे हैं कि वोटें कितनी कम होंगी कितनी ज्यादा होंगी, अंतर है उनकी और हमारी सोच में। कुछ लोगों का खोटा दिमाग होता है, कुछ लोगों का खोटा दिमाग होता है, कुछ लोगों का खोटा दिमाग होता है। अयोध्या मंदिर के दरवाजे किसने खोले थे? राजीव गांधी जी ने खोले थे। शिलान्यास किसने रखा था? राजीव गांधी से मैंने रखा था। भाई भगवान राम के नाम पे राजनीति होने लग रही है, गलत बात से, और वो भी वोटा की राजनीति, महाशर्म की बात से। वहीं फरीदाबाद NIT से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा जब सीएम हाउस उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो उनको वहां पर जाने नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्होंने अपने जो वस्त्र थे वो त्याग दिए और उन्होंने वैसे वस्त्र धारण किए जिसके ऊपर स्वास्तिक और जय श्री राम लिखा हुआ था। और उनकी ये मांग थी कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार से 28 करोड़ रुपए मांगे थे, जबकि वो उनको नहीं मिले, और जब तक उनको बजट नहीं मिल जाता तब तक वो यही वस्त्र धारण करके रहेंगे। नीरज शर्मा अपनी जुबान पे कायम है, नीरज शर्मा अपनी जुबान पे कायम है, जो मैंने वचन दिया है मैं वचन निभाने आया हूँ, और मैं सरकार से भी चाहूंगा जल्दी से जल्दी 28 करोड़ रुपए मेरी विधानसभा के लिए सेशन करें। वस्त्र त्याग के जय श्री राम और स्वास्थ्य के वस्त्र धारण कर लिए हैं भाई। इन दिनों में राम नाम की लहर तो चल रही है, और भाई राम नाम का चोला धारण करके अपनी मांग पूरी करवाना जो भी सही, मतलब नतुकबंदी पकड़ी है, अगर भाई राम नाम के सहारे इनका भी बेड़ा पार हो जाए। वहीं कांग्रेस के उठ बड़े नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक तरह से हमला करते हुए कहा कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है, प्रभु राम तो हम सब के हैं। बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, राम तो पूरी सृष्टि के हैं। कांग्रेस ने तो राम मंदिर के बारे में यही कहा था कि राम ही काल्पनिक है, प्रभु राम तो हम सब के हैं, पर राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भगवान राम के नाम पर राजनीति करना गलत बात है, राजनीति करना और बतेरे मुद्दे पड़े से। वही बीजेपी के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने खुद को मिटाने का फैसला कर लिया, इसलिए वो प्रभु श्रीराम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और कांग्रेस खुद को मिटा रही है इसलिए वो क्षेत्रीय पार्टियों से सीटों की गुहार भी लगा रही है।
इसके ऊपर अनुराग ढांडा ने एक रिप्लाई करते हुए कहा कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु श्री राम हम सबके हैं। राम सबके हैं। कांग्रेस ने खुद को मिटाने का फैसला कर लिया। आज कांग्रेस की नौबत ये आ गई है कि वो प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों से दो दो चार चार छह छह सीटों की गुहार लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर राजनीति करना चाहती है। भगवान राम के नाम पर राजनीति करने लग रहे हैं, और वो भी वोट बैंक की राजनीति। कदे ऐसा ना हो अगर भाई वोट जुटाने के चक्र में राम राम कर दे हे राम ना हो जा। 16 ने सच विकास भाई आपकी बात।